अगर आपको व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा हो या नौकरी में बराबर अड़चन आ रही हो तो कुछ उपाय कर 11 दिनों में फायदा पा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से आपको खास फायदा हो सकता है। आपको बता दें, चक्की पर गेहूं पिसवाने जाते समय तुलसी के 11 पत्ते गेहूं में डाल दें। एक लाल थैली में केसर के 2 पत्ते और थोड़े से गेहूं डालकर मंदिर में रख कर फिर उन्हें भी पिसवाने वाले गेहूं में मिला दें। धन में बरकत होगी और घर में लक्ष्मी का वास होगा। ध्यान रखें, आटा केवल सोमवार या शनिवार को पिसवाएं। जिन व्यक्तियों को लाख प्रयत्न करने पर भी स्वयं का मकान न बन पा रहा हो वो प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से अपनी अचल संपत्ति बनेगी या पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अगर संभव हो तो प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात निम्न मंत्र का जाप करें। ओम पद्मावती पदम कुशिम वज्र वज्रा पुषि प्रतिम्ब भवंती भवंती। आपको बता दें, किसी सगे संबंधी को धन दिया हो तो वह वापस नहीं कर रहा हो तो 11 श्वेत चितकबरी कौड़ियों को पीसकर चूर्ण बना लें और उसको दरवाजे के आगे बिखेर दें। यह क्रिया 43 दिनों तक करते रहें, वह व्यक्ति आपका धन वापस कर देगा। शनिवार को पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाएं, उसे धूप बत्ती दिखाकर अपनी दुकान की गद्दी जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दें। 7 शनिवार तक लगातार ऐसा ही करें। जब गद्दी के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाएं, तो उन्हें एक साथ किसी तालाब या कुएं में बहा दें, व्यवसाय आपका चल निकलेगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।